हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एनवीएस का जो है कट ऑफ आ गया है, जो हमने सीबीटी एग्ज़ाम दिए थे और साथ ही साथ जो हमने इंटरव्यू दिए हैं दोनों को मिला के, तो जाके आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आज ही आया है 23/7/2021 को, आज ही मॉर्निंग में या किसी टाइम पर अपलोड हुआ होगा। तो इसमें जो रिजल्ट मैं आज आप लोग को बताऊँगी वो सबका ही बताऊँगी, मिसलिनियस कैटेगरी के, चाहे वो म्यूजिक हो, आर्ट हो, पेट मेल एंड फीमेल हो और साथ ही साथ लैब डिडियन का हो, ये चारों का रिजल्ट दिया हुआ है। और दो चीज़ें दो इसमें ये किए हैं इन्होंने, एक में किए हैं कि जितने लोग दिए थे वो सबका है, और एक लिस्ट है जिसमें कि शॉर्ट लिस्टेड का है। तो ये शॉर्ट लिस्टेड वाला लिस्ट मैं आप लोग के सामने ला रही हूँ। देखिए, कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स सीबीटी एंड इंटरव्यू मार्क्स पुट टुगेदर। तो सबसे पहले ये म्यूजिक का है, तो जाइए आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देती हूँ म्यूजिक में कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, वो मैं सिर्फ बता देती हूँ, तो देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग का 366 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ओके, और 5 लोग जो हैं नॉट एलिजिबल हुए हैं। फिर हम देख लेते हैं आर्ट टीचर का, जिसका पोस्ट कोड आपका 19 है, मिसलेनियस आर्ट टीचर का। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिनको मिला है वो है मोहम्मद अहमद का जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी में पवन कुमार मिश्रा को, ईडब्ल्यूएस में अमिता सिंह को, और एससी में संदीप कुमार वर्मा को। तो इसमें भी देख लेते हैं कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है टोटल, इनमें भी आई थिंक 386 या 366 ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें 396 यानी कि 400 लगभग लोगों का शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। इसमें से फिर एक कट ऑफ बनेगा जिसमें से जो सीट है 167 या जो भी, और उसके अनुसार एक और लिस्ट जारी होगा। ये हो गए 3 लोग जो कि नॉट एलिजिबल हुए हैं, मे बी ये लोग इंटरव्यू नहीं देने गए होंगे इस कारण से। नेक्स्ट है मिसलेनियस टीचर पेट मेल का, जिसका पोस्ट कोड है 20। तो इन लोग का देख लेते हैं हम, ये रहा इन लोग का कट ऑफ, शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ है। अभी आप लोग का एक और लिस्ट जारी होगा जिसमें से जो सीट है, जितनी जिनकी सीट है उसके हिसाब से एक लिस्ट और आएंगी। तो हमें लगता है अभी और एक दो महीना टाइम लगेगा। इसमें मात्र एक लोग नॉट एलिजिबल है, मे बी शायद ये लोग एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे इसी कारण से। अब है पोस्ट कोड 21 और ये है आपका पेट फीमेल के लिए। वीडियो को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं सिर्फ आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उस हिसाब से आप लोग अपना डिवीज़न कर लीजिए। 1/3 को लिया गया था इंटरव्यू में, और अब जो सीट बची हैं, जैसे कि जहाँ तक मुझे मालूम है आर्ट में 167 सीट है। तो इसमें देखिए फीमेल में 296 लोगों का सिलेक्शन हुआ है शॉर्टलिस्टेड, और 3 लोग जो है नॉट एलिजिबल हुए हैं। अब आ जाता है लास्ट आप लोग का लाइब्रेरियन का, जिसका पोस्ट कोड है 22। तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे, इसमें आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू नहीं हुआ था, सिर्फ इन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इन लोग को जो शॉर्टलिस्टेड किया गया है उसकी संख्या मैं आप लोग को बता देती हूँ, वो है आप लोग का 260 लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ है, 260 लोग, और इसमें से नॉट एलिजिबल हुए हैं मात्र 2 लोग। तो फ्रेंड्स, मैं सबको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना कट ऑफ गया है, किनका लिस्ट में नाम कितने पे है, कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। और अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिखिएगा कि मैं फ़ाइन आर्ट से हूँ, या मैं मेल हूँ पेट का, या फिर मैं लाइब्रेरियन हूँ। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 1 या 2 महीना के अंदर जिनका भी सिलेक्शन होगा उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।